हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्री फायर अपडेट के बारे में जो हाल ही में अपडेट हुआ था। इस अपडेट में कितना सच्चाई और इस बात को लेकर कई यूजर ज़्यादा काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि इस अपडेट को लेकर यूजर्स के मन में नए नए विचार आ रहे थे। वहीं बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि इस अपडेट में फ्री फायर बैन हो जाएगा, तो कुछ लोग ये भी कह रहा था कि फ्री फायर इंडिया वर्जन में आएगा फ्री फायर बैन होने के बाद। लेकिन यह अब तब हो गई जब बात आई कि फ्री फायर आईफोन में नहीं चलेगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस कम समय में सारा जानकारी बताऊँगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबा दें, क्योंकि मैं क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी लाता हूँ। अब बात आती है कि नया अपडेट के माजरा क्या है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि फ्री फायर बैन नहीं होने वाला है, क्योंकि बैन होता तो भारत सरकार की तरफ से पहले घोषणा हो जाता। अब बात आती है कि जो नया अपडेट हुआ था उसका क्या, आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई बड़ा अपडेट नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल अपडेट था। अगर बैन होने का रहता तो अब तक बैन हो गया रहता। और सबसे बड़ा गलतफहमी लोगों में ये हो गया है कि फ्री फायर बैन होने के बाद फ्री फायर इंडिया वर्जन में आएगा, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्री फायर इंडिया वर्जन में नहीं आएगा, और इंडिया वर्जन में आने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए ना। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन बात आती है कि आईफोन में फ्री फायर चलेगा या नहीं, ऐसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्री फायर आईफोन में नहीं चलेगा, ये बात सच है। तो गाइस, आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।